हार्ड पासवर्ड रखूंगी कि कोई डालना शॉपिंग तो तुम करते हो हमेशा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम टू द ब्लॉग। अभी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सो गाइस, अभी बज रहा है 11 और सुबह से मैंने उठ तो मैं 9 बजे गया था। मैंने चाय वाय पी ली, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, ब्रेकफास्ट अभी करूंगा। और आज इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि जानवर से इंसान कैसे बने कुछ दिनों, क्योंकि बहुत दिन से मैंने बाल बाल मैंने धोए नहीं, दो दिन से मैं नहाया नहीं क्योंकि तबीयत खराब थी और शेविंग वेविंग भी नहीं की है। और लिली और रूबी अभी भी घर है, पता नहीं कौन सा काम कर रही है, और दोनों बहनें लगी है और मम्मी बना रही है खाना क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाते बनाते टाइम हो जाएगा और साथ में हम ब्रेकफास्ट और लंच करेंगे। तो गाइस ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। और हेटर्स से मुझे कुछ कहना है, हेटर्स जितने हेट दे रहे हो मगर अच्छा है आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो। और कुछ गलत कमेंट तो कर नहीं सकते, तो आर्मी मॉर्निंग ब्लॉग कब आएगा, आर्मी मॉर्निंग ब्लॉग कब आएगा, ये लिखते रहते हैं गधे बन। मम्मी अच्छा बना रही हो, नमकीन चावल? नमकीन नहीं, फ्राई फ्राई चावल बना रही हूँ। अरे शेविंग कर रहा हूँ, नूडल थोड़ी बना रहा हूँ जल्दी। गाइस ये मेरा फेवरेट टॉवल। यहाँ कौन रखता है टॉवल को? नहा के आते हैं क्योंकि पानी हो चुका है गरम। गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, नहा धो के एकदम चकाचक फ्रेश, और रूबी हमारी फोन में बिजी है। तो गाइस अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है और अभी बज रहा है एक बजे हम लोग खाना खा के शायद बाहर जाने वाले हैं। तो उसके बाद जो मुझे जो प्रॉब्लम थी पैरों में दर्द था, वो उसके लिए मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बंसल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ फिर से कंसल्ट करते हैं, देखते हैं डॉक्टर कब मिलते हैं, और कंसल्ट करने के बाद वापस घर आ जाएंगे। और कोई काम में से मतलब करती रहती, फ्री रहती नहीं है, ऐसा क्यों मम्मी? सो गाइस खाना निकालने के लिए रेडी मेरी बहन। नमकीन चावल बने चकाचक। गाइस मम्मी ने बनाया चावल, नमकीन चावल, दाल, भिंडी और ये रोटी। तो खाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखते कौन आया है। अच्छा अंकल आप, तुम दोनों के एटीएम आ गए भैया, फिलहाल मेरे पास ही रहेंगे। नहीं Ruby, I got a surprise for you. Your ATM. चाहिए? भैया को दे देती हूँ तेरा वाला। दे दू, बोल दे दू। इसमें ATM के साथ पिन भी आता है रूबी। तो गाइस अभिषेक अभिषेक को दे दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। ये ले, क्या याद रखेगी। भैया कह रहे हैं कि उनका ATM बहुत ज्यादा सुंदर है। Let's see रूबी का कैसा है। रूबी अपना ATM तो दिखा दो। सुंदर है? अरे रूबी का सुंदर नहीं है भाई, कलरलेस है। रूबी का कलरलेस है भाई। हाउ यू आर फीलिंग योगिता? ये आपका फर्स्ट ATM है। लाख लाख रुपए पेट्रोल का है। भैया का मैट फिनिश वाला है रूबी। अरे इसके में तो पेट्रोल भर रहा है। गाइस वो भी बोला, पोलाइटली बोला गया था, ऐसे भागता है ऐसे। गाइस रूबी को मिर्ची लग गई। गाइस मैंने खाना खाया, मिर्ची इसको लगी। गाइस गाइस एक शॉपिंग कर रही, विंडो शॉपिंग। गाइस पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल। गाइस रूबी का ATM आया। ऐसा बोल ATM का पासवर्ड क्या रखेगी ये तो बता दे बहन। ऐसा बोली, इतना हार्ड पासवर्ड रखूंगी कि कोई डाल ना पाए। अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड तो बार बार भूल जाती है। ATM का क्या रखेगी, और चार अंकों का इसमें हार्ड क्या रखेगी, सबसे हार्ड। इतना हार्ड की तुमको याद ना। चार बार स्टार, चार बार हैश। इस रूबी की बड़ी बड़ी बातें सुन लो, बस मुंह छुपा रही है शर्म के मारे। शर्म क्यों आएगी मुझे? तो बताना ATM का पासवर्ड क्या रखेगी। ATM का पासवर्ड क्या रखेगी बता अपने नए ATM का पासवर्ड। विंडो शॉपिंग तो तुम करते हो हमेशा, तुम भैया के पैसों पे ऐठन मार के बैठी हो। यूट्यूब का पैसा पूरा तो यूट्यूब का पूरा पैसा तुम गपका के बैठी हो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मगर चप्पल पहन के, क्योंकि जूतों में गीले होने के कारण फफूंद लग गई है, फंगिस। तो अब देखता हूँ, चप्पल पे जाना पड़ेगा। ऊपर से पानी गिर गिर के ये दीवार से ये वाइट सीमेंट यहाँ इकट्ठा हो गया गाड़ी के विंडशील्ड पे। बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही, बंदों का नाम नहीं ले रही। बस थोड़ा सी देर के लिए मौसम खुलता है, फिर बुर 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 चालू जाता है।
कलाकार राजेश का। गाइस ये जो दिख रहा है ना पीछे जा रहा है सौरभ जोशी का ओरियो। तो गाइस मैं पहुंच गया बंसल हॉस्पिटल और गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल जगह नहीं, तो रोड पे गाड़ी खड़ी की है। भाई साहब देखिए हॉस्पिटल है वहाँ और गाड़ी खड़ी है हमने रोड पे खड़ी, बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि बंसल ग्रुप इतना बड़ा है, साला एक पार्किंग नहीं बना सकता कि ज्यादा गाड़ी खड़ी कर सके, इतने ज्यादा मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं, इतनी ज्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं कि क्या बताऊं आपको। गाइस हम अंदर आ तो गए हॉस्पिटल के, देखो इतनी भीड़ होने के कारण टोकन नंबर लेना फिर से डॉक्टर को कंसल्ट करने में इतना टाइम जा रहा है, मैडम भी बिजी है लगता, हमारे लिए टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं। गाइस मेरा नंबर है 29। अभी भी 2 घंटे हो गए बेड वेट करते करते, जब मेरा नंबर लिया मैं खड़ा हूँ, पैर में दर्द होने लगा है, क्या बताऊँ। ये देखो हाल चाल, इस टैबलेट लेने के लिए भी लाइन लगी हुई है। सो गाइस बंसल से तो निकल लिए बाहर, तो गाइस हॉस्पिटल से तो दिखा लिया, काफी टाइम लग गया। मम्मी कह रही थी बारिश होगी, बारिश नहीं हुई है और मैं कार लेकर आ गया फोकट खर्चा करने के लिए। सूरज मामा भी निकल गए हैं, आसमान साफ हो गया है, प्यारा सा मौसम हो रहा है गाइस, मगर भीड़ अभी भी वैसी की वैसी ही जैसी थी। मतलब 10 दिन हो गए सूरज को निकले हुए, मतलब 10 दिन के बाद आज थोड़ी सी रोशनी दिख रही है आसमान में, बाकी टाइम तो ऐसी की तैसी हो रखी थी। तो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ी, चल चल के थक गया हूँ। मिल गई गाड़ी, ये रही गाड़ी, सो गाड़ी के पास पहुँचे, मैं वापस आ गया हूँ सारा काम करके घर, चलो ऊपर जाता हूँ, सामान मैं उठा ले लेता हूँ। रेस्टोरेंट से मैंने थोड़े से समोसे ले लिए हैं, घर के लिए मेडिसिन ले ली हैं। अरे आजा मेरे भाई, परेशान मत कर। गाइस अभी बज रहा है 10 और खाना वाना सब कुछ खा लिया है और अभी एडिटिंग करेंगे कल की वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, मिलते हैं कल वाले लोग, बाय।